हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर वैगनार, कल हमारे भाई हैं कज़न, तो वो आ रहे थे रामनगर से ऑफिस से अपने, तो बांसपुर के पास आके एक ट्रक था उससे साइड लगी और उनकी गाड़ी जो है टकरा के नीचे खाई में गिरी और उनके चोट नहीं आई। अल्लाह का करम हुआ कि उनके चोट नहीं आई। बाकी गाड़ी काफ़ी डैमेज हो चुकी है, ये दिखाइए आप, जैसे काफ़ी गाड़ी डैमेज हो चुकी है क्योंकि पलट गई थी और नीचे से गल गई है और गाड़ी नीचे से सब टूटी हुई है। और आज इस गाड़ी को हम इसके कुछ सामान निकलवा के इसको हम कटवा देंगे इस गाड़ी का, क्योंकि इस गाड़ी अब इसका कोई काम नहीं बचा है, ये चलने के लायक नहीं है, इस वजह से इस गाड़ी का यूज़ नहीं होगा। तो इस गाड़ी को आज हम इसको कटवाना है इस गाड़ी को, और पूरा इसका देखिए, पूरी ये सब देखिए, ये देखिए सब कट चुका है। और सबसे ख़ास बात जो है इस बात की है कि ये गाड़ी 2005 मॉडल है, तो उस टाइम में इस गाड़ी थोड़ी मजबूत बनाती थी कंपनी, इसकी जो चादर है पूरी बड़ी मजबूत तरीके से बनाती थी। आप देखें और देखिए, और आजकल की गाड़ियाँ थोड़ी हल्की होती है उसकी फ्रेम, और वो गाड़ी एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी चोट लगती है। ये पुरानी गाड़ी है, ओल्ड गाड़ी है, इसका थोड़ा चादर जो है वो ज़रा मजबूत टाइप की है और इस वजह से ना चोट आई ना कुछ, और गाड़ी बस डैमेज हुई है। और गाड़ी भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ नीचे से हुई है क्योंकि दो पलटे खा चुकी थी ये गाड़ी। बाकी आप ये देखिए मजबूत चादर, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है 2005 का, तो थोड़ी उस टाइम में मजबूती देती थी मारुति। ये देखिएगा तो जैसे ही जा रहा है, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ मैकेनिक के पास इस गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी का आप इसका साइड देखिए, बिल्कुल सही है, बस इसका ये टूट चुका है और उधर से डैमेज हुई है क्योंकि ये इस साइड से पलटी थी। और इस गाड़ी को अब मैं मैकेनिक के पास लेके जा रहा हूँ, इसका डैक और थोड़ा सिस्टम है वो निकलवा के, तो इस गाड़ी को जो है मैं आगे इसको कटवा दूँगा। इस गाड़ी को मुझे कटवाना है, फिर दूसरी गाड़ी जो है वो ले लेंगे भाई, उन्होंने बोला है, तो इस गाड़ी को मुझे कटवाना भी है, तो उस वजह से मैं मैकेनिक के लेके जा रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको मैकेनिक बात करके पूरी डिटेल लेके इस गाड़ी का क्या करना है, या ये ऐसी दिख जाएगी या ऐसे को कटवाना ही है लोहे में जाके कबाड़ में, ये सब मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो यस, got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Guys, देखिए गाड़ी, मैं 40 से आगे नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि इस काबिल नहीं है, इस हालत में नहीं है कि मैं अभी भी 20-25-30 तक चल रही है गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल ही डैमेज नीचे से हो चुकी है। और ज़्यादा मैं अगर कुछ करूँगा तो गाड़ी जो है वाइब्रेट कर रही है बहुत, और बहुत ही मतलब काँप रही है गाड़ी, और बहुत ही मतलब ज़्यादा जिसको कहते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट के हाईवे पर ज़्यादा चांस हैं कि अगर मैं गाड़ी तेज़ भगाऊँ या ये करूँ, इस वजह से मैं आराम से बिल्कुल मैकेनिक के पास गाड़ी देके जा रहा हूँ। और मैकेनिक से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ क्या इसका रहता है, जैसा वो बोलते हैं उस हिसाब से मैं कदम उठाऊँगा। और बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है गाड़ी के बारे में। ये देखिए आप, मुझे स्पीड भी बहुत देना पड़ रही है और अंदर केबिन में शोर बहुत है, आवाज़ बहुत है केबिन के अंदर, बहुत शोर है और बहुत ही आवाज़ कर रही है गाड़ी इसमें, इस वजह से मुझे पहले मैकेनिक को दिखाना है। गाइस, मैंने ये गाड़ी सेल कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, और इसका एक्सीडेंट हो चुका था, इस वजह से मैंने इसको सेल करना पड़ी, इसका रजिस्ट्रेशन भी आउट हो गया था। और मेन चीज़ ये है कि अब मुझे इस गाड़ी के पिक्स लेना है क्योंकि आईटी ऑफिस में जमा होंगे वो पिक्स, क्योंकि मुझे फ्रंट बैक साइड से भी पिक्स लेके
मुझे आईटी ऑफिस में जमा करना है, क्योंकि इस गाड़ी के वहाँ पर आईटी ऑफिस में सब कुछ जमा होगा, ऑफिस का चेसिस नंबर लेके ये गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी पूरी। इस वजह से मुझे इस पूरी गाड़ी की और डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ये गाड़ी शायद आगे कटे, जिन्होंने मुझसे परचेज करी है गाड़ी, जिन्होंने खरीदी है, वो शायद हो सकता है आगे गाड़ी कटे। इस वजह से मुझे सब चीज़ें इसकी लेके जाना है, चेसिस नंबर भी और ये सब। तो ठीक है, देखिए गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक भी ज़रूर करिए, और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी वीडियो, और आने वाली वीडियो आप कैसी चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे के अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दूँ, और बस आपका प्यार चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।